आप देख रहे हैं टीएनबी। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की ने इतिहास रच दिया है। 27 साल की डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी सीएसएस की परीक्षा पास करने में सफल रही है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी हिंदू को इस एग्जाम में कामयाबी मिली है। खास बात यह है कि सना ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास की है और अब उनकी नियुक्ति पर भी मुहर लग गई है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ये एग्जाम कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि केवल 2% से भी कम कैंडिडेट कामयाबी हासिल कर पाए हैं अब तक इस परीक्षा में। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी सीएसएस के जरिए पाकिस्तान में प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्तियां होती हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ये भारत के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह है। सना ने सिंध प्रांत की रूरल सीट से इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। यह सीट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत आती है। अपनी कामयाबी पर खुशी बयां करते हुए सना ने कहा, यह मेरा पहला प्रयास था और जो मैं चाहती थी वो मैंने हासिल कर लिया है। सना के मुताबिक उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए क्योंकि पेरेंट्स का सपना उन्हें मेडिकल फील्ड में देखने का था। सना ने कहा, मैंने पेरेंट्स और अपना दोनों का सपना पूरा कर लिया है। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा बनने जा रही हूँ। सना ने 5 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद ही वो सर्जन भी है। यूरोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस की तैयारी में जुट गई थी। सना शिकारपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी है और इसके बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है जो कि सच में काबिले तारीफ है। और सना की इस उपलब्धि के लिए हम भी सना को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी के साथ ये कामना करते हैं कि आगे भी वो इसी तरीके से भारत का नाम ऊंचा करते रहें। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।